चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ टेक न्यूज़। जी हाँ, आज भी आए हैं रोज की तरह जबरदस्त टेक न्यूज़ आपके लिए। सबसे पहले जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, हर रोज पहली न्यूज़ जो होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है। सैमसंग के जो एक एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने टेक्क्रंच डिसरप्ट में कहा था कि हमने सैमसंग फोल्ड 1 मिलियन बेचे, इसलिए सब जगह दुनिया में मीडिया वालों ने कहा कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया। आज सैमसंग ने रिट्रैक्ट कर दिया स्टेटमेंट, उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं बेचे हैं 1 मिलियन। इनफैक्ट एनालिस्ट के हिसाब से उसके आधे, मतलब 5 लाख भी नहीं बेचे हैं, 10 लाख तो दूर की बात है। और लोगों ने गलत समझा, उन्होंने कहा था कि ऐसे बहुत सारे, मतलब मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ये लेंगे $2000 का सैमसंग फोल्ड, गैलेक्सी फोल्ड। तो बेसिकली पिछले 2 दिन से जो चल रहा था दोस्तों कि भाई इतने सारे बेचे गए हैं गैलेक्सी फोल्ड, ये सच बात नहीं। और दोस्तों हुआ भी, जी हाँ, जिनके ऊपर यूएस ने बैन डाली हुई है और कहीं पे भी वो फोन्स नहीं लॉन्च कर सक रहे हैं नए, तो क्या हो गया? एक रिपोर्ट आई है दोस्तों कि 2019 में किसने कितने फोन्स बेचे, और हुआ भी की जो ग्रोथ हुई है दैट इज जस्ट क्रेजी। जी हाँ, 323 मिलियन सेल्स करके सैमसंग जो है पहले नंबर पे आया है। दूसरे नंबर पे एप्पल को बीट करके आ गया है हुआवे। जी हाँ, कुछ 290 मिलियन के ऊपर, 291 या 293 मिलियन बेचे हैं, और ये जो है एप्पल 193 मिलियन सिर्फ। सोचिए इतना ज़्यादा गैप हो गया है, और अभी जो गैप है मार्केट शेयर का सिर्फ 3.6% है अगर आप सैमसंग और हुआवी के बीच में देखते हो तो शायद बाय 2020 एंड हुआवी नंबर 1 पे आ जाएगा। मोटो रेजर आ रहा है। जी हाँ, 2019 में अगर कोई फोल्डेबल फोन मुझे अच्छा लगा तो वो था मोटो रेजर, एंड इट इज कमिंग। जी हाँ, ये भी न्यूज मैंने दी थी, लेकिन आज मोटो के वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन पेज ऑलरेडी लाइव हो गया है। इसका मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपका नाम नंबर वगैरह दीजिए, रजिस्टर कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। जी हाँ, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, जैसे जैसे उनकी न्यूज आती रहेगी वैसे आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि दिसंबर में ये लॉन्च होने वाला है, अगले 15 दिनों में, क्योंकि ट्विटर पे टीजर आ गया है, रजिस्ट्रेशन पेज आ गया है, लॉन्च इज नॉट फार। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज़ नंबर 595। और अगर नए हो तो एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। जी हाँ, हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, और हम जबरदस्त वीडियो अपलोड करते हैं जैसे कि हमने आज किया हुआ है। अगर आपको एक फ्लैगशिप फोन लेना है तो हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने बताए हुए हैं आपको 5 ऐसे फोन्स। देखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर। और दोस्तों OnePlus ने एक स्पेशल इवेंट रखा हुआ है। जनरली अगर MWC हो, CES वगैरह हो, इधर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं OnePlus, लेकिन लास वेगास में उन्होंने 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जब CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो हो रहा है तभी उन्होंने एक स्पेशल इवेंट रखा है। और अगर स्पेशल इवेंट रखा है तो कुछ नई चीज़ वो ज़रूर अनाउंस करेंगे। कोई कह रहा है कि मैकलेरन एडिशन के जो फ़ोन्स वगैरह आने वाले हैं, और कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं वो बताने वाले हैं। कोई तो कह रहा है कि OnePlus 8 लाइट, जिसके बारे में पिछले 10 दिनों से चर्चा चल रही है, शायद वो भी लॉन्च हो जाए। ये मिड रेंज का OnePlus का फ़ोन होगा। आई एम एक्साइटेड, क्या होने वाला है, नया प्रोडक्ट, नई सीरीज का स्मार्टफोन, मिड रेंज का स्मार्टफोन, या फिर कोई स्पेशल वही मैकलेरन एडिशन वगैरह। जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। वैसे एक स्पेशल चीज़ आप भी कर दीजिए लाइक, अगर टेक न्यूज़ अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इन्फिनिक्स इंडिया ने 2019 में बहुत सारे अच्छे फोन्स लॉन्च किए। अब एक इंटरव्यू में इन्फिनिक्स इंडिया के जो CEO है अनिश कपूर, उन्होंने बताया कि हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में 4 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाले हैं, और उसमें से एक नई सीरीज होने वाली है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्फिनिक्स का ही एक सब ब्रांड आएगा जिसके द्वारा वो लॉन्च करेंगे स्मार्ट टीवीज एंड म्यूजिक सिस्टम्स। तो एक्सेसरीज में भी उतर रहा है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स के कुछ फोन्स 2019 में सही में अच्छे हैं, स्पेशली हॉट 8, और देखते हैं 2020 में क्या होता है। विल दे कैरी ऑन दिस ट्रेंड, लेट्स फाइंड आउट। और दोस्तों K30 के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। जी हाँ, एक चाइनीज एनालिस्ट है, उन्होंने बताया कि अगर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब जो पार्ट होते हैं जिससे K30 बनाया हुआ है, वो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज $250, और एक्चुअल अगर आप कॉस्ट देखोगे K30 की तो उसकी कॉस्ट है $284। इसका मतलब सिर्फ $34 का मार्जिन। लेकिन ये मार्जिन नहीं है दोस्तों, इसमें R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब जो कॉस्ट होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब एक है, K30 जो है दोस्तों ये नियरली नो प्रॉफिट पे, जीरो प्रॉफिट पे बेच रहा है Xiaomi।
मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। और दोस्तों Xiaomi ने चाइना में एक चीज टीज कर दी है। जी हाँ, उन्होंने दिखा दिया है फोटो, और ये क्या है पता है? नई चीज है, स्मार्ट डिस्प्ले प्रो 8। यस, जैसे गूगल नेस्ट हब है या फिर एको है, अमेजोन का एको है, वैसे ही होने वाला है। बेसिकली 8 इंच की स्क्रीन होगी, और कहा जा रहा है कि बहुत ही पावरफुल स्पीकर्स होने वाले हैं जो DTS सराउंड साउंड को वगैरह सपोर्ट करेंगे। और इसकी जो प्राइस होने वाली है वो कही जा रही है 599 yuan, यानी 6000 में आपको ये मिलेगा, Xiaomi का स्मार्ट डिस्प्ले प्रो 8। अब जब आएगा तब देखेंगे, आई एम नॉट श्योर इंडिया में आने वाला है या नहीं। और दोस्तों लिन बिन जी आए Xiaomi के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने Qualcomm के इवेंट में बताया था कि हमारा जो Mi 10 होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स टू लॉन्च ऑन 865 प्रोसेसर, 5G के साथ आएगा। और अब जो PR मैनेजर है Xiaomi के, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा है कि Mi 10 जो है 100% लॉन्च होने वाला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, यानी जैन फेब या मार्च, इन 3 महीनों में लॉन्च होगा Mi 10 इंडिया में। डोंट वरी, इट इज नॉट गोइंग टू कम। जी हाँ, ये 5G है, 865 वाला है, आई रियली डाउट। मी नोट 10 आएगा, लेकिन मी 10। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं, कुछ एक्सक्लूसिव फोटोज आने वाले हैं कल हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। जी हाँ, ट्रैकिंग टेक है हमारा हैंडल सभी जगह पे, इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, कुछ जरूर आ रहा है। और दोस्तों Realme 1, Realme U1 और Realme 3 Pro, इनके पास जो फोन्स हैं, जिन लोगों के पास ये फोन्स हैं, उनके लिए एक अपडेट आया हुआ है। अगर आपके पास फोन है तो जाइए सेटिंग्स में, अपडेट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको एक नया डार्क मोड का टॉगल मिलने वाला है, साथ में दिसंबर का सिक्योरिटी पैच भी आया हुआ है। वैसे ये अभी भी कलर OS 6 के ऊपर ही है, अभी तक 7 नहीं आया है। वैसे कलर OS 7 Realme 1 पे एंड U1 पे आने वाला है या नहीं, नॉट श्योर, आई एम रियली नॉट श्योर। और दोस्तों Realme Buds Air, इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, और ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 दिनों में ही लॉन्च होने वाला है, लेकिन पूरे स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं बाहर। इसमें एक कस्टमाइज्ड Realme की खुद की चिप होगी R1। जी हाँ, 12 nm का ड्राइव, 12 mm का ड्राइवर होने वाला है, टच कंट्रोल्स वगैरह होने वाले हैं, 17 घंटे की बैटरी इसमें होगी, ऐसे स्पेसिफिकेशंस में आया हुआ है। इनफैक्ट वो जो शीट है वो कंपेयर करती है एप्पल के जो एयरपॉड्स 2 है उसके साथ, और कुछ कुछ जगह पे ये ज़्यादा अच्छा है। वायरलेस चार्जिंग के बारे में तो मैंने बोल दिया, तो ओवरऑल दिस इज लुकिंग गुड। वैसे दिसंबर 17 से उनका हेट टू वेट ये सेल भी चालू होने वाला है, इसका मतलब अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आप रजिस्टर कीजिए, कुछ पैसे भरिए, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा और सबसे पहले आपको शिप होगा। वैसे दीज आर लुकिंग गुड। वैसे दोस्तों प्राइस क्या लगती है? उस शीट में प्राइस जो है 4999 है, मुझे लगता है कि ये प्राइस होगी 3999, क्या लगता है? और दोस्तों इंटरेस्टिंगली Realme के एक एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने कहा है कि ये जो नॉच का ट्रेंड है वो अब चला गया, 2019 के साथ चला गया, आने वाला है पंच होल का। जी हाँ, पंच होल का जमाना, लोग बहुत ही परेशान हो गए नॉच के साथ, सो इट्स गोइंग टू बी पंच होल। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि Realme 6, Realme 6 Pro, ये सब जो फोन्स होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑन पंच होल कैमरास, क्या लगता है? वैसे कल दोस्तों जो हैशटैग #AskAruna आ रहा है, आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाली है। जो चीज मैं पिछले 10 साल से यूज कर रहा था, शिफ्ट होने वाला हूं मैं सडनली। जी हाँ, कल सब कुछ पता चल जाएगा, #AskAruna जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म इधर ही, लेकिन अगर आपको कुछ डील्स वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिएगा। वैसे इट्स अ गुड हैबिट टू गो टू डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट सम लिंक्स, जी हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और दोस्तों अब वक्त होता है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट का, आज अलग है, इधर उधर नहीं है, आज फिजिकली एक चीज है जो आपको देखनी है, फाइंड करनी है। जब मैं एक न्यूज दे रहा था, हमने वो चीज रखी थी और बाद में निकाल दी, तो एक न्यूज के समय वो चीज आपको दिखती है, वो कौन सी है और ये क्यों किया है? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू मी, जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, वो चीज अगर दिखी तो क्या है और क्यों है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर हैं संदीप कुमार, कांग्रेचुलेशन संदीप जी, भेज दीजिए आपका पेटीएम का ईमेल आईडी, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर कमेंटर्स हैं अनु मोदी, सागर गढ़ एंड अतुल जोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या जबरदस्त कमेंट डाले, ऐसे ही कमेंट डालते रहिए, ऐसे ही हम कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 595 खत्म होती है इधर ही। अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं होकर देगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।